focuses on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. देखिए बहुत अच्छा है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इतना अच्छा मतलब आज सारे लॉन्च किया जो एक्चुअली मुझे बहुत दुख हो रहा है इस कारण कि मैं नहीं जा रही गोल्ड कोस्ट. शायद मैं जाती मैं पार्टिसिपेट कर पाती इंडिया से मुझे बहुत खुशी होती क्योंकि लास्ट टाइम CWG में ब्रॉन्ज था. फाइनली इस बार मैं नहीं जा रही हूँ इंजुरी बट एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में वो फेस आते हमेशा वो मुझे फेस करना पड़ा. देखिए रिहाब अच्छा चल रहा है मेरा. रिहाब ख़त्म हुआ जस्ट अभी मैं प्रैक्टिस शुरू किया. देखते आगे नेक्स्ट एशियन गेम्स के लिए तैयारी चल रही है. अभी क्या फोकस है अभी किस एरिया पे वॉल्टिंग टेबल है बैलेंसिंग भी मैं चारों इवेंट पे फोकस कर रही हूँ बट वॉल्टिंग टेबल बैलेंसिंग भी मैं ज़्यादा कर रही हूँ. कौन सी टूर्नामेंट टारगेट कर रहे हो? एशियन गेम्स के. हाँ अभी जस्ट प्रैक्टिस शुरू किया मैंने. नहीं वैसे सब ठीक चल रहे. बस आप लोगों की प्यार और आशीर्वाद चाहिए आगे जो भी कंपटीशन में जाए फोर्थ होके ना आए मेडल लेके आए देश के लिए. हाँ रिसेंट अरुण हाँ ब्रॉन्ज मिला उसको. वो कंटिन्यू 2011 से जब भी नेशनल कैंप नंदी सर के पास ट्रेनिंग करता था और कंटिन्यू 2014 टू 17 हमारे साथ एक रूम पार्टनर एक दोस्त एक मतलब एवरीथिंग क्लोज था. तो रिसेंट वो अभी एक महीने के लिए फॉरेन ट्रेनिंग में गया था बट जो भी हो उसने जो भी दो वर्ल्ड वहाँ पे किया वो इंडिया में ही सीखा उसने वो भी नंदी सर के पास. और उसके कोच भी दूसरे है कोई भी स्पेशल बट वो मुझे बहुत प्राउड फील होती है कि हम दोनों एक साथ प्रैक्टिस करते थे. उसका बहुत बड़ा सपना था दीदी मुझे भी मेडल लाने मुझे भी इतना मेहनत कर रहे उसका फल कुछ नहीं मिल रहा. मैंने उसको हमेशा बोलती थी कभी ना कभी मिलेगा ज़रूर उसका. तो फाइनली वर्ल्ड कप से वो मेडल लाया हमें बहुत खुशी है बहुत प्राउड फील होती है जिमनास्टिक्स में वर्ल्ड कप से मेडल लाया. बस अभी वही उम्मीद है. अभी रिसेंट वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था अभी गोल्ड कोस्ट में हो रहे हैं वो तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो गोल्ड कोस्ट में हो रहे हैं हम उससे गोल्ड मेडल की उम्मीद रखते हैं. कुछ चेंज जो जिमनास्टिक्स को नहीं जानते थे वो जिमनास्टिक्स को जाने जो त्रिपुरा स्टेट को नहीं जानते थे वो और दीपा कर्मकर और नंदी सर को नहीं जानते थे वो जाने.